हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं रितु। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 8 रेशनल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी सॉल्व दिस। ठीक है बच्चों, इसमें हमने प्रॉपर्टी भी लगानी है और इसको सॉल्व भी करना है। हमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। तो बच्चों ऑब्जर्व करो सबसे पहले कि यहाँ क्या लिखा है, -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 +5/2 -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। तो देखो 3/5 इधर भी है, 3/5 इधर भी है। इट मीन्स अगर हम इसको और इसको एक साथ ले आए तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसकी रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी। और रीग्रुपिंग कौन सी प्रॉपर्टी में करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी टू बी यूज इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 +5/2 बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसमें क्या है, 3/5 कॉमन निकाल लेंगे, हम कॉमन लेंगे। 3/5 कॉमन आया इसमें से, तो रहा -2/3, माइनस आएगा, फिर ये साइन माइनस का यहाँ आएगा, इनमें से 3/5 बाहर गया, व्हाट लेफ्ट 1/6 +5/2। बच्चों सबसे पहले अभी हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व द ब्रैकेट। 3/5 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 6। यहाँ आएगा 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4, ऐसे इधर आएगा -1 और यहाँ आया +5/2। यहाँ बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किया यहाँ हमने। 3/5 -4 -1 इज -5/6 +5/2। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय -5/6 +5/2। पहले हम इसी को ही सॉल्व करेंगे, इसको इससे काटा 2, ये इससे कट जाएगा, आंसर इज इसका आंसर आएगा -1/2 +5/2। इसका फिर से एलसीएम लेंगे, 2 यहाँ आएगा -1 +5 किसके इक्वल टू होगा, 5 - 1 इज 4, 4/2 इज इक्वल टू 2, तो आंसर इज 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं और आंसर का आंसर आया है 2। पहले हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की। ठीक है बच्चों, नाउ वी मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7 -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 +1/14 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। इसमें भी बच्चों देखो, इसमें भी 2/5 है, इसमें भी 2/5 है, तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं। इसके लिए पहले हमें इसकी रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी, मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। चलिए यूज करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। इनटू -3/7 +1/14 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 और ये आ जाएगा -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 बाय विच प्रॉपर्टी, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इन दोनों में से 2/5 कॉमन ले सकते हैं तो ले लेते हैं हम। 2/5 बाहर गया, यहाँ आया -3/7, इन दोनों में से 2/5 गया तो आया +1/14। ठीक है, और ये यहाँ ऐसे रहेगा साथ में, बाय विच प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 और 14 का एलसीएम होगा 14, 14 डिवाइड बाय 7 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज
माइनस सिक्स, और ये क्या 14 डिवाइड बाई 14, 14 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2 एज इट इज लगाएंगे। अब माइनस 6 प्लस 1 कितना होता है माइनस 5, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, और ये क्या है माइनस 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये भी इजी हो जाएगा, इसको भी कर लेते हैं। 5 से कट जाएगा, 2 वन जा 2, 2 सेवन जा 14, तो आंसर आया माइनस 1 अपॉन 7 इसका आया, और माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू जा 4 इसका आया। ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है इसको, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, ठीक है। ये एलसीएम लेंगे 28 आएगा, 28 डिवाइड बाय 7 माइनस 4, 28 डिवाइड बाय 4 7, और बीच में माइनस का साइन, ठीक है। माइनस 4 माइनस 7 कितना होता है बच्चों माइनस 11 अपॉन 28 इज द आंसर ऑफ पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स निकालना है अभी हमने, तो चलो इसको निकालते हैं। बच्चों एडिटिव इनवर्स का क्या मीनिंग होता है? एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है जीरो, मींस हमने कोई ऐसा नंबर लेके आना जिसको इसमें ऐड करें तो ये जीरो बन जाए, या हम एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन को चेंज करना है और कुछ नहीं करना, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना और नेगेटिव को पॉजिटिव में। तो यहाँ 2 अपॉन 8 क्या है पॉजिटिव है, इसका क्या बन जाएगा नेगेटिव माइनस 2 अपॉन 8। इसको ये क्या है माइनस 5 अपॉन 9 क्या है नेगेटिव, तो बन जाएगा पॉजिटिव 5 अपॉन 9। अब ये है माइनस 6 अपॉन माइनस 6 अपॉन माइनस 5, माइनस 6 से माइनस 5 कट गया, तो ये क्या बन गया 6 अपॉन 5 जो कि पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा नेगेटिव में माइनस 6 अपॉन 5। अभी है 2 अपॉन माइनस 9 नेगेटिव है, आंसर आएगा 2 अपॉन 9 पॉजिटिव में। 19 अपॉन माइनस 6 नेगेटिव है, पॉजिटिव में आंसर आएगा 19 अपॉन 6। तो 2 अपॉन 8 का एडिटिव इनवर्स है माइनस 2 अपॉन 8, माइनस 5 अपॉन 9 का नेगेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स है 5 अपॉन 9, 6 अपॉन 5 एडिटिव इनवर्स माइनस 6 अपॉन 5, 2 अपॉन माइनस 9 एडिटिव इनवर्स 2 अपॉन 9, 19 अपॉन माइनस 6 का एडिटिव है 19 अपॉन 6। तो ठीक, ये था बच्चों सेकंड क्वेश्चन। और बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स 4। हमें यहां x की वैल्यू दे रखी है, हमने वेरीफाई करना है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमने वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू 11 अपॉन 15, हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है, जहां एक्स लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं 11 अपॉन 15, बाहर क्या है माइनस ऐसे रखेंगे, माइनस है ऐसे रखेंगे, एक्स क्या है 11 अपॉन 15 लिख देंगे, इक्वल टू एक्स क्या है 11 अपॉन 15 लिख देंगे। वी हैव टू फाइंड आउट कि वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। माइनस माइनस कट जाएगा, बन जाएगा 11 अपॉन 15 इक्वल टू 11 अपॉन 15, सो इट इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ओके बच्चों, नाउ सेकेंड पार्ट है एक्स इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 17, अगेन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस अभी यहां माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, तो यहां बड़ी ब्रैकेट यूज होगी, इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 17। माइनस ये माइनस माइनस कट जाएगा, 13 अपॉन 17 इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 17, तो माइनस 13 अपॉन 17 इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 17, हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है बच्चों।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है -13. बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है इसका, कि वी हैव टू फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव मीन्स रेसिप्रोकल, और इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी क्या होती है, 1. कि इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसका आंसर 1 आ जाए. तो चेक करते हैं, -13 को हम कैसे लिख सकते हैं, -13/1. -13/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-13. तो मैं एक बार आपको इसको चेक करके बता देती हूँ. जैसे -13/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/-13, माइनस से माइनस कटा, 13 से 13 = 1. सो इट इज ओके, ये वेरीफाइड है. ठीक है, तो -13 का रेसिप्रोकल हुआ 1/-13. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, -13/19. तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 19/-13. ठीक है, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. नेक्स्ट है 1/5, इसका रेसिप्रोकल 5/1. बच्चों याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने साइन को कुछ नहीं करना, साइन बिल्कुल चेंज नहीं करना, बस नंबर्स को उल्टा पुल्टा कर देना है. ठीक है, रेसिप्रोकल का मीनिंग ही उल्टा पुल्टा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज -5/8 मल्टीप्लाइड बाय -3/7. पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे. तो सॉल्व करते हैं, -5/-3 15. मल्टीप्लाई में साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है वो. 8/-7 56. और 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 56/15. ठीक है बच्चों, तो 56/15 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56. ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज -1/-2/5. पहले इसको सॉल्व करते हैं, -1/-2 यहां नीचे डिनोमिनेटर में 5. तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 5/2. ठीक है, नाउ वी मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज -1. -1 को हम और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, -1/1. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 का क्या होगा, -1 ही रहेगा. कैसे, -1/1 कैसे होगा, 1/-1 जो कि इक्वल टू होता है -1 के. ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1. ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमने बताना है, मल्टीप्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है इसमें. ठीक है, ये याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन को यूज करके पूछ रहे हैं वो. सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन पार्ट 1. तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. -4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 = 1 मल्टीप्लाइड बाय -4/5
इक्वल टू माइनस फोर अपॉन फाइव। अब यहां देखो इन्होंने इसको भी वन से मल्टीप्लाई किया, इधर भी इसको वन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी, इसकी होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसे पता चलेगा ये देखो, अगर हम x को मल्टीप्लाई करते हैं वन से या वन को मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो आंसर तो सेम रहेगा ना, x इज इक्वल टू x। तो यही किया इन्होंने यहां पे, इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर अपॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाय वन करेंगे तो भी माइनस फोर अपॉइंट फाइव आएगा, वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस फोर अपॉइंट फाइव करेंगे तब भी माइनस फोर अपॉइंट फाइव आंसर आएगा। तो इसकी आंसर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हो रही है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है नस 13 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 अपॉन 7 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 13 अपॉन 17। देखो बच्चों क्या कर रहे हैं ये, इसमें ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, रीग्रुपिंग कर रहे हैं। पहले माइनस 13 अपॉन 17 को माइनस 2 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर माइनस 2 अपॉन 7 को वो माइनस 13 अपॉन 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स वो रीग्रुपिंग कर रहे हैं। रीग्रुपिंग कौन सी प्रॉपर्टी में होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सेकेंड का आंसर क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड देखो बच्चों, माइनस 19 अपॉन 29 मल्टीप्लाइड बाय 29 अपॉन माइनस 19 इज इक्वल टू 1। देखो 1 आ गया आंसर में, मीन्स इसकी किसका प्रॉपर्टी 1 होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी 1 होती है। ये देखो माइनस 19 अपॉन 29 लिखा है और ये लिखा 29 अपॉन माइनस 19, ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। रेसिप्रोकल को यूज कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी है, तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज हो रहा है। थर्ड का आंसर हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। फिफ्थ का थर्ड आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके बच्चों, इसका आंसर हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं मल्टीप्लाई 6.13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7/16। इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है तो हमें इसमें पहले इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो करते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7/16 क्या होगा, 16/-7, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब बोल रहे हैं मल्टीप्लाई करो 6/13 को इसके रेसिप्रोकल से, हमने रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लिया है, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6/13 मल्टीप्लाइड बाय 16/-7, 16 6 96, 13 7 91, साथ में माइनस, तो आंसर क्या है 96/-91, ठीक है। दिस इज द आंसर। बच्चों अब हम करते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेवंथ क्वेश्चन बोल रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस। हमने इसे बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। तो बताते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। क्या लिखा है, 1/13 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 एज, इसको लिखेंगे एज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है बच्चों, पहले तो प्रॉपर्टी बतानी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। पहले तो थ्री रैशनल नंबर्स हैं, 1 2 3, थ्री रैशनल नंबर्स कौन सी प्रॉपर्टी में यूज होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। और कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कौन सी मल्टीप्लाई की यूज हो रही है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन,
ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज हुई है इसमें, क्योंकि तीन रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, थ्री रैशनल नंबर्स आर यूज इन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और सभी मल्टीप्लाई है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नॉट। क्या हमें बताना है कि क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो बताते हैं। पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 का क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सिंपलेस्ट टर्म में लेके आते हैं, 8 + 1 = 9, तो आंसर आया -9/8। तो क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 8/-9। ठीक है बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, 8/-9 आया है। अब इसको हमें क्या दिया था, 8/9, क्या 8/9 इक्वल टू है -8/9 के? ये लेफ्ट हैंड साइड है पॉजिटिव, राइट हैंड साइड है नेगेटिव, और ऐसे तो हो नहीं सकता कि दोनों साइड इक्वल, तो नहीं है इक्वल, सो नो, इट इज या 8/9 नॉट मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स ऑफ -1/8 और -9/8। वाई? बिकॉज बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है इसलिए इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोल रहा है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3, वाई और वाई नॉट। अब बोल रहे हैं क्या 0.3 3/1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, और अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों, चलो बताते हैं इसको भी, आंसर करते हैं। कौन से दो नंबर्स गिवन है, एक तो 0.3 पूछ रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं बताना है अभी हमने, तो यहां क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अभी पूछ रहे हैं वो, अभी हम इक्वल टू नहीं लगा सकते। तो इसका पहले सॉल्व करते हैं, 3/1/3 किसके इक्वल होता है, 3 × 3 = 9, 9 + 1 = 10, 10/3 के, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3 इज 3/10। ठीक है, और 3/10 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखे, 3/10 डेसिमल फॉर्म इज 0.3। ठीक है, यही होती है डेसिमल फॉर्म, तो यहां क्या था 0.3, यहां भी है 0.3, तो 0.3 इज इक्वल टू 0.3, तो यस 0.3 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1:3। ठीक है, ये है वाई, बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सब दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, 0.3 इक्वल टू आ रहा है 0.3 के। ठीक है बच्चों, होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं, राइट डाउन द नंबर, राइट डाउन रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। कोई ऐसा रैशनल नंबर लिखो जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। सोचो बच्चों, कौन सा नंबर हो सकता है ऐसा जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा, कौन सा होगा, जीरो।
देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, जीरो क्यों ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा यही सुना है ना, पी रेशनल नंबर आर द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड क्यू कैन नेवर बी जीरो। ठीक है मैं लिख देती हूँ, रेशनल नंबर्स आर नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू कैन नॉट बी जीरो। अब यहां इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करें, जीरो का रेसिप्रोकल ऑफ जीरो क्या होगा, वन अपॉन जीरो, और रैशनल नंबर में क्यू जीरो नहीं हो सकता। इट मीन्स क्यू ऐसा नंबर है जिसका एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वन अपॉन क्यू लिखेंगे और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे जीरो वन जा जीरो, जीरो जीरो जा जीरो, वन जीरो वन जा जीरो, तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इन्फिनाइट आएगा। तो जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, रैशनल नंबर That are equal to their reciprocals. ऐसे दो रेशनल नंबर बताओ जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो, एक तो वन हो सकता है क्योंकि वन का रेसिप्रोकल भी वन होगा, और दूसरा हो सकता है माइनस वन, इसका रेसिप्रोकल भी माइनस वन नहीं होता है। ठीक है तो वन एंड माइनस वन आर द टू नंबर्स विच हैव द सेम रेसिप्रोकल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल है, बताओ बच्चों। फिर से जीरो होगा, हम जीरो को लिख लें या माइनस जीरो लिख लें, सेम ही होता है। जीरो में को किसी में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वो सेम रहता है। तो जीरो, इसका आंसर है जीरो इज अ रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहे हैं। जीरो का कोई रेसिप्रोकल होता है, जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल, कोई रेसिप्रोकल होगा जीरो का। अभी हमने किया था टेन पार्ट में वन किया था, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल जीरो, तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। तो इलेवेंथ का फर्स्ट आंसर हुआ नो, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स, कौन कौन से नंबर्स हैं, अभी हमने किया वन एंड माइनस वन। ठीक है, वन और माइनस वन अपने ही रेसिप्रोकल्स हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव इज, माइनस फाइव का रेसिप्रोकल बताना है। माइनस फाइव का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव जिसको अपॉन वन लिखे तो क्या होगा, वन अपॉन माइनस वन अपॉन फाइव या वन अपॉन माइनस फाइव। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन एक्स वेयर एक्स कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होगा, एक्स। ठीक है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, अगर हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, अगर हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कैसे, देख लो, जैसे वन अपॉन फोर मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन टू किसके इक्वल टू आएगा, वन अपॉन एट, जो कि रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज,
पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा ना, पॉजिटिव। जैसे 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4 होगा, जो कि फिर से पॉजिटिव है। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, रेसिप्रोकल पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का पॉजिटिव रेसिप्रोकल आएगा हमेशा। तो बच्चों दिस इज ऑल दिस फॉर एक्सरसाइज 1.1। तो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 1.2। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली क्लियर द योर डाउट्स। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।